चलिए एक वार्ड सदस्य कुल को वार्ड सदस्य है, आपको कौन भी है दोनों भी है, आप पहले भी वार्ड सदस्य है और अभी भी वार्ड सदस्य है ना, तो क्या समस्या आप लोगों के पास में आ रही है कि मीटिंग के दौरान पर आया मुखिया जी के पास ये समस्या लेकर के आया है, क्या दोष हुआ है? तो हम लोग का भाटा तीन साल का बाकी है, इस कारण से हम लोग एक बैठक बना करके आप तो पहले का पैसा सब मिल गया पहले का पैसा बाकी है, इस बार का भी बाकी है, इस बार का भी बाकी है, तो ब्लॉक है कितना बार का बीडीओ साहब क्या कहते हैं? बीडीओ साहब कथी कहते हैं, मुखिया जी जब तक ना उसमें ये करेंगे तब तक बीडीओ साहब कथी तो आपको विश्वास मुखिया जी पर है कि मुखिया जी हमारे समस्या का समाधान कर देंगे? बीडीओ साहब क्या जाते जाते थक गए? बीडीओ साहब का अनुभव में थे एक बार नहीं सुने, लेकिन बीडीओ साहब करने से जब हार करके तब मुखिया जी के पास में आए तो आप मुखिया जी पर ही विश्वास है कि मुखिया जी समाधान कर देंगे, क्या है आपकी समस्या क्या है? समस्या क्या है? हमारा समस्या कुछ नहीं है, हम अभी नया का वार्ड सदस्य का पति है दो नंबर का। अच्छा हाँ, पिछले में हम कुछ नहीं नल तो चला रहे हैं, नल जब कहाँ से चलेगा, इतना ना ओरिजिनल काम किया हुआ है कि कैसे चलेगा नल तो? अच्छा है हलाना था, 7 फीट हला दिया है, 2 इंच पर 2 फीट पर, कैसे चलेगा नल तो? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सरकार है, इंजीनियर को दिया गया था काम, क्योंकि वार्ड सदस्य अपने वार्ड के नेता होता है, वार्ड सदस्य को कोई ट्रेनिंग तो नहीं दिया गया था कि काम कैसे कराना है, ट्रेनिंग तो इंजीनियर को दिया गया था, तो अगर गड़बड़ काम किया है इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सरकार है, सरकार है, सरकार है, तो वैसे दोषी पर कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, पूरा कार्रवाई होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए, पैसा लूट के खा गया सब, तब पूरा कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए नल तक किसी को नहीं मिले, पानी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कहाँ पानी मिले? तो यह है समस्या कि नल जब को सही से नहीं देखा गया, जिसके कारण जो है आज आम जनता जो है शुद्ध पानी पीने पर मजबूर है, जब सरकार ने लाखों रुपए खर्च किया नल जल पर कि आम जनता को शुद्ध पानी मिले, लेकिन 80% नल जल मोतीपुर प्रखंड में लगभग बंद पड़ा हुआ है, बंद होने का एक ही कारण है कि पंचायत के जो भी कर्मचारी हैं उनका कोई ध्यान नहीं है, बीडीओ साहब का ध्यान नहीं है, अगर ध्यान रहता तो नल की स्थिति यह नहीं रहता, आज सबके घर में शुद्ध जल पहुंचता और सभी को पानी मिलता। चलिए आगे भी कुछ वार्ड सदस्य हैं, इनसे भी बात करते हैं। अपना जमीन जो सर हम दिए हैं अपना जमीन लिए हैं, तो इस पर दूसरा कोई धावा लगा तो हम कर ले गए हैं, मुखिया जी को खुद मालूम है, सब लोग झाड़ रहे हैं कि अपना जमीन दरवाजा हम नाश कर दिए हैं, अपनी दरवाजा उस पर हमें नहीं मिलेगा, उसके पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो ये लोग अपने जो जमीन नलजल में दिए हैं एक आशा और विश्वास पर दिए हैं कि नलजल में हमें नौकरी मिलेगा, अगर नलजल में आपको नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे नहीं मिलेगा नौकरी तो? नहीं मिलेगा तो उसका जा देंगे खर्च कर बिक देंगे, तो समझ लीजिए भूमिदाता के लिए नीतीश कुमार जी सोचिए, जब आपने जमीन लिए है तो जमीन वाले के लिए कुछ सोचिए, नहीं तो इसी तरह पकड़ खबर करवाते रहिए, नल जल को बंद करवाते रहिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।